नमस्ते श्रीयामा भगवान शरणम, आप सभी को हमारे गुरुकुल में स्वागत है। ज्ञान प्राप्ति होने के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम श्रीं परम करुणा परम ज्योति नमः। ओम श्रीं परम करुणा परम ज्योति नमः। ॐ श्रीं परम करुणा परम ज्योति नमः। ॐ श्री अम्मा भगवान के टीचिंग्स कई सारे कल की धर्म वीडियोस नाम पर यूट्यूब में आप देख सकते हैं। उनमें से आज हम देखेंगे कल की धर्म 174। श्री कल्की के द्वारा प्रतिदिन भौतिक चमत्कार पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम प्रतिदिन ऐसी ही एक चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। श्री कल्की के चमत्कार देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भक्त के घर में श्रीमूर्ति से कुमकुम और हल्दी प्रकट हुई। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति अनुभूतियाँ जीवन मुक्ता नहीं बनाते। मुक्ति की अनुभूतियाँ मस्तिष्क में एक रसायन के परिवर्तन के द्वारा प्राप्त होते हैं। जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रेन के फिजियोलॉजी में परिवर्तन आना जरूरी है। जब किसी व्यक्ति में न्यूरोबायोलॉजिकल परिवर्तन शिफ्ट होता है, तब वो जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए जीवन मुक्ति मुक्ति अनुभूतियों से प्राप्त नहीं होता है। इन दोनों में अंतर है। अगले भाग में प्रोग्रामिंग आपको स्थिति संबंधी बनाती है और आपको अपनी धारणा में अटका देती है। मान लीजिए अगर आपके अंदर ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग हो गया जहां आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करते हैं और इसी धारणा में आप अटक जाते हैं और इसी धारणा के साथ आप पूरे दुनिया को देखते रहते हैं। आपके इस प्रोग्रामिंग के कारण आपके दृष्टिकोण आपके बाह्य परिस्थिति में एक ही जैसे कंटिन्यू होता है। इसीलिए आप इस परसेप्शन या इस धारणा में अटक जाते हैं और उसी में आप अवस्थापित हो जाते हैं, जिसके वजह से आपके अपने धारणा के अलावा आपको और कुछ भी नहीं दिखता है। अगला टीचिंग देखेंगे अचेतन मन की प्रकृति बाध्यकारी दोहराव और विनाशकारी है। अभी हम एक उदाहरण के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। सीनियर साउंड सिस्टम मैनेजर के नाम से एक व्यक्ति कोलकाता में बहुत अच्छा इनकम के साथ रहते थे। उनके मन में ऐसा एक विचार आया कि मुझे बहुत अधिक धन प्राप्ति करना है, तो वो सोचने लगे बहुत सारे आइडियाज। तब उन्होंने निर्णय लिया कि साउंड इंजीनियर के स्टडी जो है वो और भी चीप बना सकते हैं। इसका मतलब उसके संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको कम दाम में उनको रखना होगा। ये सभी यूजुअली बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो उन्होंने ये सारे इक्विपमेंट्स बहुत लार्ज स्केल में खरीद लिया था, जिसके वजह से उनको तुरंत ही उसे यूज करना है। अगर यूज करने के लिए उनका कोई सेटअप शुरू नहीं हुआ था, उन्होंने सोचा कि उनके सहकर्मी और उनके दोस्त उनके जो भी स्टूडेंट सभी को लेके वो काम कर लेंगे, कंपनी शुरू कर देंगे और सब कुछ ही बहुत सारा पैसे इन्वेस्टमेंट के साथ ही हो पाएगा, तभी जाकर उनका कंपनी आगे बढ़ सकता है। उनके फ्रेंड्स के साथ सब शेयर करके उन्होंने सोचा कि सभी सपोर्ट कर लेंगे। वो तुरंत ही उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने लगे, उसके अंदर कूद पड़े और कंपनी को फेमस करने के चक्कर में बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर लिया, 2 करोड़
बहुत सारा लोन हो गया, वो बहुत टेंशन में रहते थे, घर में रहने के लिए परिवार के साथ समय देने के लिए टाइम नहीं मिलता था। बहुत शहर घूमकर उन्होंने काम किया, पैसे भी कमाया और वो पैसे उन्होंने ऑफिस रूम में रखा था, 10 मिनट में वो निकलने वाले थे, वो सारा पैसा चोरी भी हो गया। उसके बाद उनका बिजनेस वो आगे ही नहीं बढ़ा पाए, अच्छे मौका भी उनके हाथ से छूट गया। कैसे ये व्यक्ति को उनके अनकॉन्शियस माइंड, अचेत मन, एक नेगेटिव पैटर्न से उनको बाध्य किया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था ऐसा कुछ काम करने के लिए। कुछ गलतियां जो उन्होंने बार बार करते गए, अनकॉन्शियस माइंड वो रिपीट करता गया और अंत में उनको, उनका अपना अच्छा प्रोफेशन था, बहुत अच्छा सैलरी था जो उन्होंने छोड़ दिया। जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट में चला गया वो सब कुछ चला गया, जो भी थोड़ा पैसा आया था वो भी चोरी हो गया। तो विनाश के और अनकॉन्शियस माइंड उनको ले गया है। ऐसे हमारे अचेत मन के अंदर की नकारात्मक पैटर्न्स हमारे मन में हमें कुछ चीजों को करने के लिए बाध्य करता है और उन्हें रिपीट कराता है और अंत में वो विनाश के और ले जाता है। अभी हम चमत्कार सुनेंगे। टुडे श्री कल्कि मिरेकल इज दैट ऑफ सुरेश फ्रॉम मुंबई। During Kalki Agya at Satyalok for growth in business, I was asked to make Sri Paramajyoti Kalki Amma Bhagwan my business partner in my cake shop. Since there were already other partners in that business, I thought of starting another business with only Sri Kalki and I as partners. My wife Anita came up with a fantastic suggestion. She asked me to make Sri Paramajyoti Kalki Amma Bhagwan my business partner in the current business by keeping aside a small amount for Sri Kalki every day from the daily sales. I consulted with my existing partners and they agreed. I have been following this new practice and business is flourishing. I thank my dear wife for this godsend suggestion. She comes to the shop daily in the evening to help me out since I am managing the shop alone at that time. But for the past few days, for some reason, she stopped coming. Yesterday, to my pleasant surprise, she got ready and came with me to the shop. I was wondering what had made her change her mind. After reaching the shop, I got my answer. I received a call for a 2 kilogram cake to be delivered. Because Anita was present at the shop, I was able to accept the order and step out for delivery. I realized that Sri Kalki had chalked out this episode in advance for my benefit. Gratitude to my business partner, Aishwarya Pradata Sri Paramajyoti Kalki Amma Bhagwan, for the miraculous growth in business. जो भी ज्ञान सूत्र आपने प्राप्त किया, ये ज्ञान सूत्र को आप अपने भीतर मनन चिंतन करिए। धीरे से आंखें खोलिए, श्री कल्कि से अनुरोध कीजिए। ये टीचिंग्स आपके लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन होना है। आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से इन्हें अनुभव करने के साथ साथ चमत्कार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम श्रीं परम करुणा परम ज्योति नमः। ओम
परम ज्योति नमः। ओम श्रीं परम करुण परम ज्योति नमः। ओम। भजन संकीर्तन में हृदय में भक्ति भरने के लिए, उनके साथ दृढ़ बंधन के लिए प्रार्थना कीजिए। సత్యలోకమా దేవుడవయ్యా కలికి భగవాను, మము నిత్యము పాలించు పరమాత్ముడవు తండ్రి భగవాను, సత్యలోకమా దేవుడవయ్యా కలికి భగవాను, మము నిత్యము పాలించు పరమాత్ముడవు తండ్రి భగవాను, భక్త పరాధీనుడవు నీవే కలికి భగవాను, మా బాధలు పాపే బంధువు నీవే తండ్రి భగవాను, పరాధీనుడవు నీవే కలిగి భగవాను, మా బాధను పాపే బంధువు నీవే తండ్రి భగవాను, నింగి నుండి నేలకు దిగి వచ్చిన నిజదేవుడవు నీవేనయ్యా, నిజదేవుడవు నీవేనయ్యా, నరుని రూపముల మమ్మేలుతున్న నారాయణుడవు నీవేనయ్యా, నారాయణుడవు నీవేనయ్యా, పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు నీవే తండ్రి కలికీశ, మా పాపాలు పాపే పరమాత్ముడవు నీవే పరమేశ, సత్యలోకమా దేవుడవయ్యా కలికి భగవాను, सभी को धन्यवाद। नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम।